विधानसभा जो लगातार चल रही है, लास्ट शनिवार को मैंने जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा, जो सवेरे से काफ़ी पीड़ित लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ तो पानी की समस्या को लेकर के हैं, कुछ सफाई की समस्या को लेकर के निगम से जुड़े हुए हैं, कुछ ADA से जुड़े हुए विषय हैं, और एक आध स्कूल की भी समस्या आई जिसको वेतन कम मिल रहा है, ऐसी भी समस्या आई, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं, कुछ डेवलपमेंट की आई कि कहीं सड़क बननी है, कहीं पाइपलाइन बिछनी है, इस प्रकार की भी समस्या आ रही हैं, कुछ गांव से भी लोहागल से और अपने हाथीखेड़ा से भी समस्या आई, और साथ में कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो परिसीमन नगर निगम कर रही है, तो परिसीमन ने चूँकि उन्होंने आपत्तियाँ आमंत्रित की हैं, कुछ तो जन आपत्तियाँ वहाँ दर्ज करवा रहा है, कुछ मेरे पास भी लेकर के आए हैं कि आप भी इन आपत्तियों को वहाँ भेजो, तो वह भी भिजवाई जाएंगी। इस प्रकार के पानी, सड़क, स्कूल की समस्या से लेकर के ADA और सफाई निगम से लेकर के विभिन्न प्रकार की समस्या आ जा रही हैं। कुछ SP से भी जुड़ी हुई थी, तो मैंने सीधा तो कुछ अधिकारियों को आज फ़ोन किए, कुछ इन सबको मिला करके कुछ अधिकारियों का भेजूंगा, कुछ जगह हैंडपम्प मरम्मत के लिए दिए थे वो मरम्मत नहीं हुए, तो कुछ अधिकारियों को उनके सामने निर्देशित कर रहा हूँ, कुछ को मैं लिखित में समस्या के समाधान पर भेजूंगा। पानी की समस्या में कुछ जगह तो हैंडपम्प रिपेयर नहीं हुए हैं, कुछ जगह नई पाइपलाइन बिछनी है, और चूँकि कुछ जगह बहुत धीमे पानी आ रहा है, इसको लेकर के समस्या आई है, इसको मैंने विधानसभा में मुद्दे उठाए, चूँकि 20 रुपये में कम है, इसका समाधान करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम सोचते हैं अधिकारियों से चर्चा करते हुए इसका समाधान करेंगे।